इसी को लेकर खास चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अजमल हमारे साथ हैं, वेस्ट एशिया एक्सपर्ट हैं जेएनयू से, और मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, निपुण अलम्बियान जी हैं फॉरेन एक्सपर्ट हैं, और कर्नल टीपी त्यागी जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल आप सभी का। और सारी पुरानी बातों को भुलाकर इस महीने में लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसराइल ने तो यहां पहले से ही वाजे कर दिया है कि रमजान की लॉ कैबिनेट में तो बेनी गेंट्स ने ये क्लियर बोला है कि मार्च 10 से पहले पहले जितने भी होस्टेज हैं, जितने भी बंदी हैं, हमास को रिलीज करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो थोड़ा थोड़ा हमले और तेज करेंगे और वो एक ग्राउंड इन्वेजन रफा पे स्टार्ट करेंगे। रफा जो एक बहुत छोटा सा शहर है जो कि मिस्र से उनका बॉर्डर मिलता जुलता है, तो जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उन्होंने अपना चिंता जताई है कि अगर रफा पे हमले होते हैं तो मतलब एक मसैकर, एक पूरा खात्मा अलग से हो जाएगा। यहाँ पे 1.5 मिलियन फेलस्टीन जो गाजा से हैं वो यहाँ पे रिफ्यूज ले रहे हैं गाजा में, रफा में। तो रफा पे अगर हमले होते हैं तो जाहिर सी बात है, तो आपने जो दुरुस्त फरमाया है कि रमजान का महीना में तो छोड़ दे, लेकिन ना ठीक है, मैं आपके बेरहमी पास से बेदर्दी से ये जी हमले करेंगे। जी बोलेगा, अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये यही मुझे बदकिस्मती से और बहुत ही दुख से कहना पड़ रहा है, मुझे लगता नहीं कि ये बख्शेंगे, चाहे रमजान का महीना हो चाहे नहीं महीना नहीं हो, लेकिन हमास को वो बंदी मैं इस मानता हूं कि छोड़ देने चाहिए बिल्कुल। ठीक है मोहम्मद अली शाह साहब, जब दोनों के ऊपर दबाव बनाने की बात आती है तो ऐसा देखने को मिला है कि कई बार बातचीत भी हुई है, हमस को पेशकश की गई है, फिर इसराइल को भी पेशकश की गई, तो कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से एक इख्तलाफ नजर आ रहा है, और कभी इसराइल नहीं मान रहा है, कभी हमस नहीं मान रहा है, तो ऐसे में ये कोशिशें भी नाकाम साबित हो रही हैं। आखिर ये जंग किधर जा रही है? जी सब जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए जो बेनी गेंट्स जो उनके वॉर कैबिनेट में जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो जो एक अल्टीमेटम दिया है कि 10 मार्च से पहले पहले ये बंदियों को रिहा कर दें, नहीं तो फिर ये अफवाह पे थोड़ा थोड़ा हमले करेंगे। अब ये रिमार्क्स जो आए थे, ये जब इजिप्ट ने, मिस्र ने क्लियर कह दिया है कि उनकी जमीन पे कोई भी फिलिस्तीनी रेफ्यूजी नहीं आएगा, उनको चिंता है मिस्र को कि इसराइल हमस युद्ध की वजह से काफी सारे फिलिस्तीनी इजिप्ट पर आएंगे, तो वो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे संभालेंगे, तो ये बात भी क्लियर कर दी है। अब अगर यही बात क्लियर कर दी है, देखिए पीस ब्रोकरेज कतर ने किया, इजिप्ट ने किया, कोशिश करी, अमेरिका ने भी कोशिश करी, और बल्कि कोशिश किया, क्लियर किया तो कोशिश का दिखावा मैं बोलूंगा अमेरिका ने किया एक तरीके से। अब ये कुछ ज्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं, तो पहले भी इसराइल की सोर्सेस से ये भी आशंका जताई गई थी कि वो चाह रहे थे कि पूरा गाजा खाली कर दें फिलिस्तीनी, ताकि इसराइली आके गाजा पट्टी में आके बस सके, इस तरीके का उनका प्लान होगा। अब आप देखिए ये जंग को हम कहां जाते हुए देख रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं कि भाई चाहे रमजान का महीना हो चाहे नहीं हो, इसराइलियों को, इसराइली जब मैं बोल रहा हूं, मैं नेतन्याहू की तरफ से मेरा इशारा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तमाम हमले करेंगे और वो बेरहमी से करेंगे। और यहां पे एक ऐसा मैं दुगना रवैया देख रहा हूं कि जो मुसलमान मुल्क हैं, कम से कम वो अगर साथ में आए, एकजुट हुए, तो कम से कम कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन ना, लेकिन मिस्र तो उनको तो चिंता है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोई भी फिलिस्तीनी उनकी समसार जमीन पे नहीं घुसेगा। तो ये तो बात वही होगी ना साहिब जी कि आप अपने छत पे, अपने टेरिस पे, अपने बालकनी में, खिड़की पे देख रहे हैं, पड़ोसी पिट रहा है, बुरा हाल हो गया है उसका, आप बस खिड़की से चिढ़ा रहे हो कि मत मारो मत मारो, और अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, बजाय उसको अपने घर में लेने के, मरम पट्टी करके, पानी पिलाने के, आप बस, आपने तो बंद कर दिया है वो दरवाजा, लेकिन ये और तो आप कोई कह रहे मसले हो। का हल नहीं होगा ना फिर, अगर मिस्र अगर अपनी सरहद में ले ले तो ये मसले का हल कहाँ से होगा? फिर तो जो कॉन्ट्रैक्ट और जो मुआहदा इसराइल और हमस मिस्र के बीच हुआ है उसकी भी कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, आपका बहुत इंटेलिजेंट सवाल है और वाजिब सवाल है आपका, जायज बात है। देखिए ये मसले का हल तो बिल्कुल नहीं है, मैं भी कहता हूं मसले का हल नहीं है, लेकिन एक तरीके से वो इंसानियत तो दिखा सकते हैं। अगर इसराइल नहीं दिखा रहा है और अगर अमेरिका बस केवल दिखावा कर रहा है, अगर कहेंगे तो हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, तो अगर वो ले ले अपने अपने शरण में लोगों को, तो कम से कम एक मॉरल सपोर्ट तो रहेगा, एक मॉरल सपोर्ट रहेगा, लेकिन ना वो
भी ठीक नहीं हो है। रहा है। गाजा में लगातार जो अमवात है उनका जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये जंग किधर जा रही है इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।